हे hey, विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं मेंटल एबिलिटी के लेवल 1 का पार्ट 15। इसमें हम सीख रहे हैं एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति। रूल्स तो आपको पता ही है ना, करना क्या है। जैसे ही आपके स्क्रीन के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा और उसी 5 सेकेंड में आपको अपने आंसर्स कमेंट करके बताने हैं। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। ये देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तुरंत अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ हमें। देखो, सबसे पहली बात आप ध्यान दो कि आपको एक सर्कल फाइंड आउट करना है। सर्कल किसमें है? एक ये जो वृत्त है वो किसमें है? सी में तो नहीं है, सी में तो अर्धवृत्त है ये, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बचा ए, बी और डी में। बी में एक बड़ा सर्कल है, तो बी भी गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ए और डी। तो ए में देखो, ये आकृति यहां से मुड़ी हुई है, ये फिगर, ये जो त्रिभुज है, तो ए ऑप्शन ये गलत हो जा रहा है। डी ही ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें ये वाली आकृति, ये वाला फिगर छिपा हुआ है। तो क्योंकि हम यही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कि क्या छिपा हुआ है वही फाइंड आउट करना है, वही निकालना है, तो डी ऑप्शन ही सही है। क्योंकि डी ऑप्शन में ये हमारा जो समस्या आकृति है हमारी, वो छिपी हुई है डी ऑप्शन में। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ। देखो, पहले ये दो त्रिभुज देखो कहां है। ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, बी भी गलत हो गया। किसमें किसमें? देखो सी में, सी और डी में हो सकता है हो। देखो पहले देखते हैं कि हाँ, त्रिभुज तो दोनों में है। देखो ये ट्रायंगल, यहां पे त्रिभुज और यहां त्रिभुज, ये इन दोनों ऑप्शन में है। लेकिन ये वाली लाइन भी हमें चाहिए ना, ये लाइन, ये किस में है? सी में है, यहाँ पे एक लाइन, डी में नहीं है यहाँ पे। तो देखो, इस आकृति को जब आप ट्रेस करोगे तो ऐसे 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 और ऐसे ये बन जा रहा है। ये जो है सी ऑप्शन ही सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, तुरंत आंसर कमेंट करके बताओ अपने। देखो, पहले एक सर्कल खोजो। सर्कल तो लगभग सभी में है, लेकिन सी वाले में थोड़ा छोटा सर्कल है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया पहले ही। उसके बाद बचा ए, बी और डी। ए, बी और डी में ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपको एक क्रॉस, यहाँ सर्कल के बीचों बीच नहीं बल्कि यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बीचों बीच एक क्रॉस है, तो ये गलत है। बी और डी बचा हमारे पास। बी और डी में से एक आकृति हमें ऐसी भी तो खोजनी है, ये वाली, ऐसे ऐसे, तो ये किस में है? ये तो बी और डी दोनों में नजर आ रहा है, तो कौन सा सही होगा बताओ। देखो बी और डी में से देखते हैं कि क्या डिफरेंस नजर आता है। डिफरेंस देखो कुछ भी नहीं है, हमें लगता है कि बी और डी, बी और डी में दोनों में ये आकृति जो है छिपी हुई है, ये आकृति दोनों में छिपी हुई है। देखो यहां से यहां भी, ये जब आप ट्रेस करोगे तो ये एक सर्कल, ये लाइन दोनों, और ये पूरा ये वाला पार्ट तो बी में भी है और डी में भी ऐसी ही आकृति है। देखो ये पूरा पार्ट और फिर एक सर्कल और यहाँ पे ये वाली आकृति ऐसी जो है, ये बी और डी में दोनों में है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ध्यान रखना, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप टिक कर दोगे तो सही माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आते हैं, ताकि कन्फ्यूज हो जाओ आप, ज़्यादा टाइम आपका लग जाए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना, आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। तो बी और डी दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रहे, एक ही सेलेक्ट करना। ऐसा नहीं कि दोनों आप ओएमआर शीट में फिलअप कर दो, एक ही सेलेक्ट करना। दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लोगे तो सही हो जाएगा। सो बी और डी ऑप्शन इसमें से सही है, एक कोई सेलेक्ट करना आप। चले अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन। देखो सबसे पहले तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो किसमें है। डी ऑप्शन तो साफ साफ गलत दिख रहा है ना, तो डी ऑप्शन गलत है। उसके बाद ए, बी और सी में ध्यान दो, मिलाओ, यहां पे एक लाइन होनी चाहिए नीचे, जबकि बी में यहां पे लाइन नहीं है और सी में भी लाइन नहीं है, तो ये दोनों भी ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। देख रहे हो आप कैसे हम रिजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन को किनारे करते जा रहे हैं, जो सही नहीं है, जिसमें थोड़ी सी गलती दिख रही है उसको किनारे करते जा रहे हैं, और हमारा सही आंसर अपने आप सामने निकल के आ जा रहा है। तो इस तरह से ये टेक्निक अपनाना बहुत सही टेक्निक है, टाइम बचाता है। तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, उसके नीचे ये छोटा सा त्रिभुज, तो ए ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तुरंत अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ हमें। इसमें आप देखो कि ये वाली जो आकृति है, फिगर है, वो कहाँ छिपा हुआ है, ये फिगर कहाँ छिपा हुआ है, ध्यान दो।
ये तो हमें लग रहा है ए ऑप्शन में ही, ध्यान दो सीधे सीधे दिख रहा है, ये देखो ये रहा ए ऑप्शन में ही ये फिगर जो है छिपा हुआ है। सो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, बी सी डी तो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ आप। इसमें सबसे पहले तो ध्यान दो, यहाँ ये एक किसी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का पार्ट है, यानी कि किसी वर्ग या फिर आयत का पार्ट है ये एक, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है मुझे भी लगता है। तो इसमें से ध्यान दो, कहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको? देखो ये किसमें से निकलेगा, एक तो इधर हो गया ये यहाँ पे, तो इसमें से तो निकलने से रहा ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला, इस वाले पार्ट में हो सकता है, इस वाले पार्ट में, क्योंकि बी तो बिल्कुल गलत है, बी तो होगा नहीं किसी भी हाल में देख लो आप, सी भी नहीं होगा। और डी में अगर हम ध्यान दें तो डी में भी ऐसा कुछ ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, ये थोड़ा सा अलग है, तो डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन में ही देखते हैं, ए ऑप्शन ही सही होना चाहिए। देखो कैसे, ये एक लाइन यहाँ तक आ रही है, ये बड़ी वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है ये वाली, तो ये यहाँ तक आ रही है, उसके बाद ये दोनों लाइनें, ये हो गई ये दोनों लाइनें, उसके बाद ये एक छोटा सा ये वाला सर्कल ऐसे, उसके बाद फिर ऐसी वाली ये रेखा दोनों, तो यही ऑप्शन है, ए ऑप्शन में ये ऑप्शन छिपा हुआ है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, है ना? तो आप में से सारे लोग ये बताना हमें कमेंट करके कि ये क्वेश्चन किसका किसका सही हुआ है। ये जिसका क्वेश्चन सही हुआ है समझ लो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, तुरंत इसके आंसर्स कमेंट करके बताओ आप। ये तो आसान क्वेश्चन है ना, ये दो ऊपर से ऐसी आकृतियां त्रिभुज हमें ढूंढना है, तो देखो कहाँ है, ए में तो यहाँ त्रिभुज नहीं है, ये गलत हो गया, बी में भी नहीं है, बी भी गलत हो गया, बचा हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन, तो सी और डी ऑप्शन में से यहाँ पे त्रिभुज देखने को मिल रहा है यहाँ पे बस, तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। देखो सी ऑप्शन ही हमारे, सी ऑप्शन ही हमारे लिए जो है सही ऑप्शन है, तो यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये आकृति मिल रही है सी में, तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब तीन क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं, तो चलते हैं अपने थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे, आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इसके आंसर्स कमेंट करके बताओ आप। देखो सबसे पहले आप ढूंढो कि ये एक स्क्वायर कहाँ मिल रहा है आपको, तो स्क्वायर आप देखोगे कि यहाँ पे तो कहाँ मिल रहा है, सीधे सीधे पहले ए ऑप्शन में ही ध्यान दे दो, यहाँ देखो ये स्क्वायर जो है यहाँ पे मिल रहा है, एक जो आप कह सकते हो वर्ग है वो यहाँ पे मिल रहा है, और ये लाइन जो है वो ऐसी लाइन है, ये रेखा, उसके बाद ये त्रिभुज ऐसा, तो यही तो ऑप्शन छिपा हुआ है इसमें, देखो ये जो है जो फिगर है प्रॉब्लम फिगर इसी ऑप्शन में छिपा हुआ है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, नौवां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, अपने आंसर्स आप सभी कमेंट करके बताओ। ध्यान देना कि अगर आप ए ऑप्शन को सही मानते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा है, जबकि इतनी चौड़ाई हमें चाहिए नहीं। हमारे पास सी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल सही सही दिख रहा है कि ये आकृति, ये फिगर यहाँ पे छिपा हुआ है। देखो कैसे, ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये वाला पार्ट, और एक ऐसी दो रेखाएं ऐसी वाली हमें खोजनी है, तो वो तो यहां से मिल जाएगा, देखो यहां से ये रहा ये दो लाइंस, तो सी ऑप्शन में ये हमारा प्रॉब्लम फिगर छिपा हुआ है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सभी आप अपने आंसर्स कमेंट करके बताओ हमें जल्दी से। देखो सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि ये कहाँ पे है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको ये कहाँ मिल रहा है, तो ए बी में दिख रहा है, सी में नहीं है कोई स्क्वायर, तो सी गलत हो गया, डी में भी दिख रहा है, तो रुको देखते हैं अभी। अब देखो ये तिकोना वाला पार्ट ये कहाँ है, इसमें नहीं है, ए में नहीं है, इधर देखो कोई तिकोना वाला पार्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया, बचा बी एंड डी, बी और डी में ये तिकोना वाला पार्ट है, तो अब किसी और चीज को मिलाते हैं कि कहाँ है, ये देखो यहाँ से इस वाले पार्ट को, इस वाले भाग को हम मिलाएंगे, तो हमें देखने को मिल रहा है कि बी में ही ऐसा भाग है, यहाँ पे ये पार्ट कुछ छिपा हुआ है, तो ये आकृति हमें बी में दिख रही है कि छिपी हुई है, देखो ए ऑप्शन बी में है, सो बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो भी कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताना।
अगर आप ऐसे ही वीडियो रोज चाहते हो, लगातार चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलें फिर मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के साथ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।